मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे इस बात की क्या गारंटी है। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी, देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला, एक पैसे की गल हेरा फेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है, यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा, इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया, बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका।